हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान आईक्यू पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ काफ़ी दिनों के बाद इंग्लिश की टेस्ट सीरीज़ 3। देखो, अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके होंगे इंग्लिश ग्रामर में। पहले आपको वैशाली मैम ने भी इंग्लिश ग्रामर कराई थी और मैंने भी कुछ कुछ कराया ही है इंग्लिश ग्रामर में आपको। खैर, वो चीज़ें चलती रहेंगी साइड बाय साइड, लेकिन ये छोटा सा एक टेस्ट समझ लीजिए इसको, जो KVS और DSSSB के जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उसके अंदर जो आपका 20 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर पार्ट कह लीजिए या फिर पोर्शन होता है, उससे रिलेटेड ये टेस्ट सीरीज बनाई है मैंने, जितनी भी बनाई है अब तक। तो ये 3rd है ये उस सीरीज में, ठीक है। तो ये आपके प्रैक्टिस सेट कह सकते हो आप इसको, या फिर मॉक टेस्ट कह सकते हो जस्ट फॉर इंग्लिश। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगेंगे। 20 क्वेश्चन हैं, इनको खुद अटेम्प्ट कीजिए। आंसर मैं तो बताऊंगी ही, लेकिन आप खुद आंसर करेंगे पहले पहले तो बेटर होगा। तो ये अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट देख लेना आप इंग्लिश की, उसमें आपको मिल जाएंगी 2 टेस्ट सीरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मैं आपको आंसर बता दूंगी, लेकिन फर्स्ट यू ट्राई टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है। मैं तो बताऊंगी एक्सप्लेनेशन के साथ, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप लोग साथ साथ आंसर करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका टेस्ट हो रहा है कि आपको कितना आता है फिलहाल, है ना, इंग्लिश ग्रामर की बात है। और ये सारे क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो SSC हो, DSSSB हो या फिर KVS हो, तो ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, इसलिए मैंने ये सीरीज चला रखी है। ये आपको मिल जाए करेगी मतलब महीने 2 महीने में। खैर, अभी काफ़ी लेट हो गया है, बट इट्स ओके, है ना, जब भी टाइम मिलता है तब तब मैं आपके लिए ले आती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है पहले 2 क्वेश्चन के लिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स। अब यहाँ पर आपके सामने 4 पार्ट में चीज़ों को डिवाइड कर दिया गया है। लास्ट पार्ट ऑफ कोर्स नो एरर वाला है, जिसमें कोई एरर ना हो, तो आपको वो निकालना है जिसमें एरर हो। अगर नहीं है तो आपको नो एरर चूज करना है, ठीक है। ये ए ऑप्शन हो गया, ये बी ऑप्शन हो गया, सी और डी, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द 2 मेन वर क्वारलिंग विद ईच अदर, विद वन अनदर, क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन, ठीक है। मतलब 2 लोग जो है झगड़ा कर रहे थे एक घड़ी के लिए बेसिकली, और वो दोनों के एक दूसरे के साथ इसलिए लड़ रहे थे कि भाई ये मेरी है ये मेरी है, वो वाली बात है। तो अब बताइए इसमें क्या होगा, इसमें कहीं एरर है कि नहीं है, और नहीं है तो क्या है। आई थिंक मैंने इसका आंसर जो आपको ऑलरेडी बताते हुए एक्सप्लेन करते हुए बता दिया है, अब मैंने हिंट भी दे दिया है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। देखिए द 2 मेन वर, 2 आदमी के बारे में बात हो रही है, तो 2 मेन है तो वर भी ठीक ही है यहाँ पर, इसको हम गलत कहेंगे नहीं, तो ए तो बिल्कुल ठीक है। क्वारलिंग विद वन अनदर, अब देखिए यहाँ पर एरर कहाँ है, एरर है यहाँ पर वन अनदर में। यहाँ पर वन अनदर जो है वो यूज नहीं होगा, इसके जगह पर यूज होगा ईच अदर, ठीक है। ईच अदर क्यों यूज होगा, क्योंकि जब 2 लोगों की बात आ जाती है तो आप ईच अदर का यूज करते हो, ठीक है। लेकिन अगर वन अनदर होगा जब बहुत सारे लोगों की बात हो रही हो, जैसे बहुत सारी भीड़ में बहुत सारे लोग लड़ रहे थे एक वॉच के लिए, तो वहां पर आप वन अनदर यूज कर सकते थे। लेकिन यहां पर क्योंकि 2 इंसानों की बात हो रही है, 2 आदमी है यहाँ पर, और उन दोनों आदमी का रिलेशन है आपस में, लड़ाई वाला जो भी है, उसके लिए हम ईच अदर का यूज करेंगे, वन अनदर का यूज नहीं करेंगे। तो यानी कि बी में एरर है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो ठीक हो जाएगा। बी जो है इस पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Everybody knows that Bhutan is the most peaceful of all other countries of the world. No error. सब जानते हैं कि भूटान जो है सबसे शांतिपूर्ण देश है एक तरह से, अगर हम दूसरी कंट्रीज के साथ उसका कंपैरिजन करें तो। देखिए सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर यूज की गई है, यानी कि द मोस्ट यहाँ पर यूज किया गया है। अब एवरीबडी नोज, सब जानते हैं, एवरीबडी की बात है तो ये सिंगुलर में काउंट होता है, तो इसलिए हम नोज के साथ एस तो लगाएंगे ही लगाएंगे, तो फर्स्ट पार्ट में तो एरर नहीं है। अब बाकी जो पार्ट्स हैं, दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अब आप बताइए इनमें से कौन सा ठीक होगा कौन सा नहीं होगा। थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब आप देखते हैं आंसर कर पाएंगे कि नहीं। तो देखिए भूटान इज द मोस्ट पीसफुल, ये तो बिल्कुल ठीक है, जब सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है, मोस्ट यूज होता है तो आप उसके साथ, जैसे कि हम गुड बेटर बेस्ट होता है, तो बेस्ट होता तो भी दी का यूज होता है, दा का यूज होता, तो दा का तो यूज बिल्कुल ठीक है हुआ है यहाँ पे, तो ये तो ठीक ही होगा। अब यहाँ पर एरर है, ऑफ ऑल अदर कंट्रीज, ऑफ ऑल कंट्रीज होता है, ठीक है, ऑल के साथ आप अदर का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे, एक तरह का सुपरफ्लुअस सेंटेंस हो जाएगा एक तरह से, ये अदर जो है यहाँ पे जरूरी नहीं है, ऑफ ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ये हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एरर है आपका सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको अगर फर्स्ट उसमें ही समझ में आ गया है तो बेटर है, नहीं आया तो फिर भी आपको थोड़ा सा रूल्स देख लेना एक बार। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट alternative out of the 4 and indicated by selecting the appropriate option. आपको basically इस blank के अंदर सबसे appropriate भरना है। First है, the higher you climb, the more difficult it dash to breathe.
तो देखो जितना ऊपर आप चढ़ते हो उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए सांस लेना, ये वाली सेंस निकल कर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको बता दूँ, द हायर यू क्लाइम, जितना ऊपर आप चढ़ते जाते हैं उतना ही आपके लिए मुश्किल होता चला जाता है ब्रीथ करना, यानी कि सांस लेना। तो ये है सेंस इसकी। तो बताइए बिकेम आएगा या फिर बिकम्स आएगा, हैज़ बिकम आएगा या इज़ बिकमिंग आएगा, ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहली चीज़, द हायर यू क्लाइम, यहाँ पर सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में यूज़ नहीं हो रहा है, भूतकाल में यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये प्रेजेंट की बात है। एक बात बताई जा रही है कि जितना ज़्यादा ऊपर चढ़ते हैं आप वैसे हो जाता है, एक रेगुलर चीज़ बताई जा रही है ना। तो बिकेम तो यहाँ पर यूज़ होगा नहीं क्योंकि पास्ट में चला जाएगा। अब यहाँ पर आए हैं ये तीन ऑप्शंस आपके सामने, बिकम्स, हैज़ बिकम या इज़ बिकमिंग। अब देखो इज़ बिकमिंग क्या है, मतलब इसमें वो वाली सेंस आ जाती है, रहा था, रहे हैं, रही है, इस टाइप की, रही है, रहा है, इस तरह की आ जाती है ना, कोई काम चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चल नहीं रहा है, यहाँ पर एक बात बताई जा रही है, तो कंटिन्यूअस चीज़ तो है नहीं यहाँ पे, इसको भी हटा दीजिए। तो अब आपके सामने ऑप्शन बचे बी और सी। अब बी और सी में से क्या होगा, आप सेंस खुद निकाल सकते हैं। जितना ज़्यादा आप ऊपर चढ़ते जाते हैं द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू ब्रीथ, है ना, ये उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। तो ता है, ते है, ती है, अगर ता है आ गया पीछे, ते है, ती है, इस तरह की सेंस आती है, तो आपको यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना पड़ता है, यानी कि टेंस जो सिंपल का फर्स्ट होता है वही। तो यहाँ पर आएगा आपका बिकम्स, बिकम्स है क्योंकि इट जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ जब आप वर्ब का यूज करेंगे तो उसमें पीछे एस या ई एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो होता चला जाता है। ओके, जैसे एक रेगुलर चीज हो रही होती है ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, आप देखते हैं ना कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये एक बात है जो नॉर्मल जो कही जा रही है, उसी तरह से ये भी एक नॉर्मल सी बात है जो एक रेगुलर उसमें कही जा रही है। ठीक है, तो ये आपका बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है नेहा हैज बीन क्राइंग डैश मॉर्निंग। अब देखो ये टेंसेज ही हैं, ये भी टेंस का क्वेश्चन था, ये भी टेंस का क्वेश्चन है। अगर आपने टेंस अच्छे से पढ़े हैं तो आप फट से आंसर कर सकते हैं, और अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो डिफिकल्टी है। देखो नेहा हैज बीन क्राइंग डैश मॉर्निंग, रेहा रोए जा रही है ना, मॉर्निंग से रोए जा रही है, रोए जा रही है। अब एक तो इंडिकेटर यही है कि हैज बीन यूज हुआ है, ठीक है, तो यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पर। अब परफेक्ट टेंस में आप फॉर और सिंस जैसे वर्ड्स का यूज करते हैं, तो फ्रॉम, ऑफ और टिल को हटा दो क्योंकि फॉर यहाँ पर है नहीं, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सिंस। देखो जब कोई काम जो है लगातार होता चला जा रहा है ना कभी से, देखो ड्यूरेशन की बात हो, जैसे कि नेहा हैज बीन क्राइंग फॉर, अगर यहाँ पर होता टू आवर्स, यानी कि दो आवर्स, दो घंटे की ड्यूरेशन बताई जाती, तो आप वहां पर फोर लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक टाइम दिया गया है, एक टाइम कि मॉर्निंग से रो रही है, सुबह मॉर्निंग से ही रो रही है, मतलब है ना सुबह से रो रही है, तो यहाँ पर यूज होगा सिंस, सिंस मॉर्निंग, है ना, सिंस येस्टरडे, कि कल से ये काम हो रहा है तो सिंस येस्टरडे लगाओगे। लेकिन जब टाइम ड्यूरेशन ड्यूरेशन पता चल जाती है जब आपको कि नेहा हैज बीन क्राइंग, अगर यहाँ पे सपोज मॉर्निंग की जगह पे टू आवर्स होता कि दो घंटे से, पांच घंटे से, तो वहां पर आप फोर का यूज करते कि नेहा हैज बीन क्राइंग सिंस टू आवर्स, नहीं कहते हम, कहते यहाँ पर फोर टू आवर्स, दो घंटे से रो रही है। तो यहाँ पर जब ड्यूरेशन का पता चल जाता है कि कितने घंटे हैं, कितना क्या है, तो आप ये कह सकते हैं। लेकिन जब एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही होती है तो आपको वहां पर सिंस का यूज करना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये सिंपल है, आपको सिमिलर वर्ड बताना है जिसका, ये जो आपको बोल्ड में जो दिखाई दे रहे हैं दो वर्ड्स, इनका सिमिलर वर्ड बताना है। पहला है ऑपुलेंट एंड दूसरा है मोरोस। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए तो खैर डायरेक्ट सा ही क्वेश्चन है। ऑपुलेंट का मतलब होता है जो बहुत ही धनी हो, एक तरह से ये कह सकते हैं, है ना, फेक, ग्लूमी या सेल्फिश नहीं होता है। ग्लूमी होता है उदास, फेक होता है नकली, और सेल्फिश तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, रिच, यानी कि अमीर सा, दौलतमंद सा, ये कह सकते हैं, धनी एक तरह से, तो उसको हम बोलते हैं ऑपुलेंट। भाई अब ये किस्मत का धनी भी हो सकता है, अब ये पैसे में भी धनी हो सकता है, मीन्स है कि रिच है किसी चीज़ में। ओके, नेक्स्ट है मोरोस। मोरोस का मतलब क्या होता है, अगर आपको आता है तो आंसर कीजिए, फ्लैटर, ग्लूमी, फ्रेंडली और सेवी। यहाँ पर आपको सिमिलर बताना है, यानी कि सिनोनिम बताना है इसका, ऑपोजिट नहीं बताना है। तो मोरोस का मतलब होता है उदास एक तरह से, ना, उदास एकदम से, मन बिल्कुल सैड एकदम, वही वाली चीज़। तो इसका आंसर होगा ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है उदास। देखो ग्लूमी को कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ग्लूम कर रहा है कुछ भी, है ना, इसे ग्लूमी, ग्लूमिंग से क्या सेंस आती है कि कुछ एकदम से उजाला हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, इस तरह से, वो सेंस नहीं है यहाँ पर। आप याद रखिए ग्लूमी का मतलब होता है उदास, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। तो मोरोस का जो सिमिलर वर्ड है वो हो जाएगा आपका ग्लूमी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है इर्क। तो इसका, इन दोनों वर्ड्स के आपको बताने हैं ऑपोजिट वर्ड, यानी कि यहां पर सिमिलर नहीं है, यहां पर आपको ऑपोजिट बताना है।
तो अगर आपको आता है तो आप आंसर कीजिए इसका। देखिए फर्स्ट है इर्क। इर्क का मतलब होता है जब आप किसी को परेशान करते हो बेसिकली, ठीक है, उसको हम इर्क बोलते हैं। तो इर्क जो है एक ऐसा वर्ड हो गया जब आप किसी को परेशान करते हो, चिढ़ाते हो, इस टाइप की चीज़ें। तो आपको बताना क्या है, ऑपोजिट बताना है, यानी कि इसका उल्टा बताना है। तो अट्रैक्ट करना, डिस्करेज करना, इरिटेट करना या फिर प्लीज करना। देखो इरिटेट तो सेम हो जाएगा, इरिटेट का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, चिढ़ाना, इस तरह से वो हो जाएगा। डिस्करेज भी नहीं आएगा यहाँ पर। अट्रैक्ट और प्लीज, प्लीज मतलब होता है किसी को खुश करना, तो किसी को चिढ़ाना या किसी को गुस्सा दिलाना उसका ऑपोजिट होता है आपका प्लीज करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क, ओके, इनकी स्पेलिंग्स भी आप याद रखिए, स्पेलिंग्स भी पूछी जा सकती है। जो ये जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स हम कर रहे हैं इनकी स्पेलिंग भी आ सकती है। ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है? अब इसके ऑपोजिट है फ्री, ओड, प्लेन और क्विर। देखिए ग्रोटेस्क का मतलब होता है जब कुछ बहुत ही अजीब सी चीज हो, विचित्र हो, या फिर आप कह सकते हो भद्दी भी हो सकती है, मतलब नेगेटिव सेंस में भी विचित्र हो सकती है और पॉजिटिव सेंस में भी वो विचित्र हो सकती है। अनोखी सी चीज हो कोई, है ना, जो कभी आपके सामने अटपटी सी हो आपको देखने में, ऐसा भी हो सकता है, तो ग्रोटेस्क वो होता है। तो यहाँ पर है ऑप्शन, अब इसका उल्टा बताना है आपको, मतलब विचित्र है तो थोड़ी आप कह सकते हैं कि सिंपल नहीं है वो, थोड़ी अजीब सी है, डिफरेंट है। तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, फ्रीक तो यहाँ पर आएगा नहीं, ओड भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि तो ओड तो इसका सिमिलर हो जाएगा, क्विर का मतलब भी यही होता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेन। प्लेन का मतलब होता है सादा सा, एक तरह से सादा और विचित्र, उस तरह की सेंस आप ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो यहाँ पर गलतियाँ क्या होती हैं, कई बार हम ना ये नहीं पढ़ते हैं, और ये पढ़ भी लेते हैं उसके बाद जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि सिमिलर हमें याद नहीं रहता कई बार कि हम ऑपोजिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और हम सिमिलर पर लगा देते हैं टिक। ये मेरे साथ भी हो चुका है इसलिए आपको बता रही हूँ। तो ये गलतियां भी आप लोग ना करें, मतलब बेहतर हो तो क्वेश्चन थोड़ा आराम से अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम और फ्रेज। यहाँ पर ये ईडियम या फ्रेज दी हुई है आपको, आपको इसका बेस्ट मीनिंग बताना है इनमें से, है ना, समझ में आ गया हुआ क्वेश्चन। ये तो हमेशा आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो चलिए पढ़िए और फटाफट से आंसर कीजिए। फर्स्ट है टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर, है ना, आप आपने मतलब देखो जैसे जैसे इसकी हिंदी निकालेंगे तो वो बहुत अटपटी होती है कि आपने भेड़िए को जो है पहले से ही डोर से दूर ही रख दिया आपने, इस तरह की चीजें हो गई। तो लेकिन यहाँ पर जो इडियम्स होती है उनके सेंस जो है वो बहुत थोड़ी सी अलग निकलती है उनकी, अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप खुद घूम जाएंगे कि ये कैसे निकाल दें उन्होंने सेंस। लेकिन स्टिल टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने अवॉइड स्टारवेशन, यानी कि भूख को अवॉइड करना एक तरह से, क्रैक द डील, डील क्रैक कर लेना, एंट्री प्रोहिबिटेड जहाँ पर एंट्री मना हो, हैव ए प्लीजेंट टूर या फिर बहुत ही प्रसन्नताजनक आपका टूर रहा हो। देखो कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर का मतलब होता है अवॉइड स्टारवेशन, जब आप किसी तरह से आप लाइवलीहुड जो है वो कमा पाते हैं, मतलब इतना कमा पाते हैं कि कम से कम आप भूखे ना रहें, वो वाली बात होती है। तो ये होती है अवॉइड स्टारवेशन, याद रखना। नेक्स्ट है टीथिंग प्रॉब्लम्स। टीथिंग प्रॉब्लम्स क्या होती है, ये थोड़ी सी नई इडियम है, मैंने खुद नई सी पढ़ी तो मैं आपके लिए लेकर आई। टीथिंग प्रॉब्लम्स क्या होती है, ऑरल प्रॉब्लम्स, मौखिक प्रॉब्लम्स हो गई, प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया है उसके स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई वो होती है। प्रॉब्लम्स फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम इन एडजस्टिंग ए न्यू प्लेस, अगर आप किसी नए प्लेस पे गए हैं और मतलब बहुत टाइम हो गया आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ हैविंग गुड डेंटिस्ट, है ना, क्या फिर आपको गुड डेंटिस्ट नहीं मिल रहा है, उस टाइप की चीजें। तो बताइए, देखिए टीजिंग प्रॉब्लम जो इडियम है इसका मतलब होता है प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। कई जब भी कभी आप नई चीज़ करते हैं, आप नया बिजनेस कर रहे हैं, आप नई स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी, तो जो शुरू शुरू में जो प्रॉब्लम्स आपको आती हैं उनको बोलते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स। ओके, इसको याद रखना, दांत से मत याद रखना, दांत से कभी डेंटिस्ट पे टिक लगा दो ऐसा मत करना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 10 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं और आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज आप अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट है इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये थोड़ा सा छुप गया इसमें, लेकिन इसका मतलब है कि जो ब्रैकेटेड पार्ट है वो आपको इम्प्रूव करना है इनमें से, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर देना है। तो फर्स्ट है शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी, उसे कॉफी पसंद नहीं थी लेनी या फिर जो भी था, ठीक है, डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी। नीदर आई लाइक डिट, देखो यहाँ पर है नोर आई डिड, उसको पसंद नहीं आई कॉफी, नोर आई डिड मुझे भी नहीं आई, मतलब सेंस वो वाली है। तो आपको ये बताना है कि इंग्लिश कौन सी सही होगी यहाँ पर। 11th है नीदर आई लाइक डिट, नोर डिड आई, नोर आई लाइक इट या फिर नो इम्प्रूवमेंट, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन में मैं बता देती हूँ कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा,
यहाँ पर एक मिस्टेक है कि नोर आई डिड का नहीं आता यहाँ पर, डिड जो है वो पहले आएगा जब आप नीदर नोर में इस तरह से यूज करते हो. शी डिड नॉट लाइक द कॉफी, उसको तो पसंद नहीं आई, मुझे भी नहीं आई, वो वाले सेंस है. नोर डिड आई, तो यहाँ पर डिड जो है पहले आएगा और आई जो सब्जेक्ट है आपका वो बाद में आएगा यहाँ पर, ठीक है. नोर डिड आई, तो डिड या ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है, डू डज ये आगे लगेंगी यहाँ पर, और जो बाद में ये जो सब्जेक्ट सा होता है मतलब सॉरी जो भी आपका प्रोनाउन होती है यहाँ पर, इसको आप बाद में लगाएंगे. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है ताजमहल इज अ वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट इन आगरा. देखो कई बार क्वेश्चन हमारे सामने ऐसे आ जाते हैं कि जिनको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते हम, लेकिन सेंस निकाल लेते हैं, इतनी ग्रामर पढ़ चुके होते हैं कि हम देख लेते हैं कि हाँ भाई अब ये यही ऑप्शन सही लग रहा है, वो वाली चीजें होती है. तो ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही है. ताजमहल इज अ वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट इन आगरा, तो ये बताइए इसका क्या होगा. देखिए ए मॉन्यूमेंट टू सी इट्स वर्थ, ए मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग, वन ऑफ वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट्स, या नो इम्प्रूवमेंट. अब देखो वर्थ सीइंग का मतलब क्या है, यहाँ पर है कि देखने लायक है ना, वर्थ है उसका कुछ, वो देखने लायक चीज़ है. तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा क्या, ताजमहल इज, अब देखो इज है क्या है वो मॉन्यूमेंट है. ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग, वर्थ सीइंग यहाँ पर एक साथ यूज होगा लेकिन यहाँ पर मॉन्यूमेंट पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा. अब मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी आपको क्योंकि मैं इतनी मेरी कमांड नहीं है इंग्लिश पर इतनी ज्यादा, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि यहाँ पर ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट है, वर्थ सीइंग आप बाद में लगाइए. ये पहले पहले बोलकर देखिए, ताजमहल इज अ वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट इन आगरा, और ताजमहल इज अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग इन आगरा, मतलब आगरा में देखने लायक है, तो ये यहाँ पर सेंस इसकी बाद में ही जाएगी, ठीक है. जिन लोगों को इंग्लिश अच्छे से आती है, जो फ्लुएंट है, वो समझ गए होंगे, लेकिन बात यह है कि अगर आपको ग्रामर भी आती है तो भी आप इस चीज को पकड़ पाएंगे. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है आपका, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज. अब यहां पर एक फ्रेजल वर्ड वो सेंटेंस दिया हुआ है आपको, तो आपको ये बताना है कि इसके जगह पर आप क्या यूज कर सकते हो. बेसिकली जो हम हिंदी में करते हैं ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो वाली चीजें हैं. तो फर्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको आप सुधार नहीं सकते हैं वो क्या होता है, ये आपको बताना है यहाँ पर. देखो ये इस तरह के क्वेश्चन सीरीज ना आपको बहुत हेल्प करेगी, लेकिन वही है ना, मैं खुद आपको क्या बोल रही हूँ, मैं खुद ही रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ, तो गाइज आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. लेकिन वो मैं बस जितना मेरे से हो पाएगा ना मैं आपके लिए कर रही हूँ. लेकिन बस आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी सीरीज आप खुद भी, अगर आपके पास बुक भी है कोई भी, आप सिंपल एक बुक भी आपके पास ग्रामर की, तो आप क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें इंग्लिश और हिंदी में. आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपकी इंप्रूवमेंट होगी. आप रूल्स पढ़ पढ़ के रट रहे हैं, वो तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते. दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है वो क्या होता है. इम्प्रेग्नेबल हो गया, या फिर उसके बाद हो गया इमोलेशन हो गया, इनकॉरिजिबल हो गया, या फिर आपका यहां पर हो गया ये इनएलिजिबल, है ना. तो बताइए क्या होगा. सो देखिए जो ठीक नहीं किया जा सकता है वो होगा इनकॉरिजिबल, ये होता है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता. इम्प्रेग्नेबल होता है जिसको पकड़ा ना जा सके. इमोलेशन होता है एक तरह से बलिदान देना. इनएलिजिबल होता है जैसे कि आप सपोज आप पीआरटी के एग्जाम देने वाले हैं लेकिन आपने डाइट नहीं की हुई, तो आई यू आर इनएलिजिबल, आप एलिजिबल ही नहीं है उस चीज के लिए, तो वो इनएलिजिबल हो गया, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, द पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, जिसको दूसरों की गलती के लिए ब्लेम किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये बताना है. ये तो सबको पता होगा, है ना. चलो मैं बता देती हूँ आंसर. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्केप गोट, बलि का बकरा जिसको बोलते हैं वो होता है ये. तो ये थोड़ा इजी था आपका, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन. तीन वर्ड यहाँ पर ठीक है बिल्कुल, लेकिन एक वर्ड जो है इनकरेक्ट है वो आपको बताना है. तो बताइए क्या होगा यहाँ पर. स्पेलिंग आप पढ़ ही पा रहे होंगे, कंसीव, लीजर, नीस, उसके बाद है आपका रेन. तो देखिए यहाँ पे कंसीव की स्पेलिंग ठीक है, लीजर की ठीक है, नीस की गलत है. नीस की होती है एन आई ई सी ई, इस तरह की स्पेलिंग्स कई बार पूछी जाती हैं, भांजी होता है नीस का मतलब, ठीक है. रीन बेसिकली शासन काल या एम्पायर को बोलते हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये बाकी ठीक है. 16 देखो, डिक्शनरी इररिलेवेंट, पेरिशेबल, टेंजिबल, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर. अगर आपने पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली बता पाएंगे. इरेलेवेंट ठीक है, पेरिशेबल ठीक है, टेंजिबल भी ठीक है, डिक्शनरी में गलत है, यहाँ पर ए आएगा, ठीक है. तो डी आई सी टी आई ओ एन ए आर वाई, ये होती है डिक्शनरी की स्पेलिंग, जहाँ से आप वर्ड मीनिंग वगैरह देखते हैं इसको बोलते हैं डिक्शनरी. क्वेश्चन है चेंज द वॉइस, तो आपको ये चेंज करनी है, वॉइस चेंज करनी है. एक्टिव पैसिव वाला क्वेश्चन है, तो एक्टिव में है तो पैसिव में बदलना है, और पैसिव में है तो आपको एक्टिव में बदलना है. तो चलिए देखते हैं. एन एलिफेंट मे बी हेल्प्ड इवन बाय एन आंट,
एक एलिफेंट को जो है एक आंट के द्वारा भी हेल्प किया जा सकता है ना, एक चीटी भी मदद कर सकती है हाथी की, ये है सेंस। तो ये पैसिव वॉइस में है आपका, अब इसको आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। कई बार क्वेश्चन हमारे सामने एक्टिव वॉइस में होता है, हमें पैसिव वॉइस में बनाना होता है, लेकिन कई बार पैसिव वॉइस में होता है तो हमें उसको एक्टिव में बनाना होता है ना। देखते हैं ऑप्शंस को। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बी सी डी पढ़कर नहीं बताऊंगी, आप देख सकते हैं। देखो फर्स्ट और सेकंड में तो आपको मिस्टेक नजर आ रही होगी कि एलिफेंट के आगे ए लगाया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर एन यूज होना था, तो ये तो आपका हट ही गया। अब दो बचे हैं, देखते हैं। इवन एन आंट, तो इवन बाय एन आंट था ना, तो यहाँ पर आप इवन एन आंट तो कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है मे हेल्प एन एलिफेंट, इवन मतलब एक चीटी भी मदद कर सकती है एलिफेंट की, और यहाँ पे है इवन एन आंट ओट टू हेल्प एन एलिफेंट। अब ओट टू का और मे का डिफरेंस है, देखिए मे को आप यहाँ पर मे ही रखेंगे, ओट टू में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में आपको बनाना है, पैसिव वॉइस में नहीं बनाना है, ठीक है। तो इवन एन आंट मे हेल्प एन एलिफेंट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात आ गई है, नरेशंस की बात आ गई है। तो सिंपल है, आपको इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना है। फर्स्ट है सॉरी, क्वेश्चन जो है वो है, प्लीज डोंट क्राई ही सेड, उसने कहा कि प्लीज यार रो मत ना, वो वाली सेंस आ गई यहाँ पर। तो बताइए क्या आएगा यहाँ पर, प्लीज डोंट क्राई ही सेड। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपके सामने हैं, ही बेग्ड दैट आई शुड नॉट क्राई, ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई, उसने मुझसे मतलब वो बता रहा है एक तरह से कि किसने मुझसे मतलब उसने किसी को बोला होगा कि ही प्लीज क्राई मत करो, तो वो चीज़ समझाई जा रही है। तो ही बैग दैट आई शुड नॉट क्राई, उसने मुझसे भीख, मतलब यहाँ पर भीख वाली सेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन है कि आप एक तरह से उम्मीद लगा रहे हो किसी से। आई बैग दैट आई शुड नॉट क्राई, ही बैग दैट आई शुड नॉट क्राई, उसने मतलब इस तरह से किया, निवेदन किया कि प्लीज मुझे नहीं रोना चाहिए, है ना। या फिर देखो, चाहिए तो आएगी नहीं, शुड तो आएगा नहीं, क्योंकि उसने ये एडवाइस नहीं दी है, वो बिल्कुल उसको रो के एक तरह से प्लीज कर रहा है कि प्लीज यार रो मत। ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई, ही सेड टू प्लीज हिम एंड नॉट टू क्राई, तो ये तो आपको लगता होगा गलत हो गया बिल्कुल, ये प्लीज हिम करने वाली थोड़ी है, ये तो यहाँ पे कृपया वाली प्लीज है, खुश करने वाली प्लीज नहीं है। ही टोल्ड मी नॉट टू क्राई, है ना, ये वाली चीजें हैं। तो ही सेड है खाली यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे प्लीज को जो है वो बेग्ड से बदल दिया गया है, इसको हम बदल सकते हैं बेग्ड से। ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई, उसने मुझसे एक तरह से निवेदन किया कि मैं ना रो, ठीक है। तो बेग्ड मी नॉट टू क्राई यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि प्लीज वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स भरने, आपको बेसिकली ये आपके सामने दिए हुए हैं कुछ वर्ड्स इनके इनके थ्रू। माई हाउस इट इज एडजेसेंट डैश सेंट्रल पार्क, है ना, मेरा घर जो है सेंट्रल पार्क के बिल्कुल एडजेसेंट में है, साइड में कह सकते हैं आप। तो बताइए इसमें क्या आएगा, टू विद ऑफ या फिर फ्रॉम। देखिए एडजेसेंट है तो एडजेसेंट के साथ जो है वो टू यूज होगा, एडजेसेंट टू सेंट्रल पार्क मतलब सेंट्रल पार्क के बिल्कुल एडजेसेंट में है, साइड में है। नेक्स्ट है, दो ही इज ओल्ड, हालांकि वो बूढ़ा है, डैश ही इज स्ट्रॉन्ग, लेकिन फिर भी स्ट्रांग है, बूढ़ा है बट स्ट्रांग है। तो बताइए क्या आएगा, दो ही इज ओल्ड बट ही इज स्ट्रांग, हालांकि वो बूढ़ा है लेकिन वो मतलब क्या है, वो स्ट्रांग भी है। येट टिल और ऑल दो, देखो इस तरह की चीजें जो होती है ना, इसमें पेयरिंग होती है, जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो दो के साथ क्या पेयरअप होता है, बट तो नहीं होता है, टिल भी नहीं होता है, ऑल दो भी नहीं होता है, दो के साथ होता है येट, हालांकि वो बूढ़ा है लेकिन स्टिल देखो ना कितना स्ट्रांग है, ये वाली चीज। दो के साथ आप येट को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो दो ही इज ओल्ड येट ही इज स्ट्रांग, ये वाली चीज है। बट ही इज स्ट्रांग यहाँ पर सेंस नहीं आएगी, टिल नहीं आएगी, ऑल दो भी नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी। सो गाइज, दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे, ये इंग्लिश की सीरीज थी, टेस्ट सीरीज थी। अब आप एक छोटी से छोटा सा काम कर सकते हैं, आप 20 में से अपना स्कोर लिख सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो भी मैं आपको कहूंगी कि जरूर करें, ताकि आपको लोगों के मार्क्स पता चले, अपने भी मार्क्स पता चले, क्योंकि काफी दिन के बाद ये टेस्ट सीरीज आई है। इतने दिन का कलेक्शन आपका कैसा रहा, आपकी इंग्लिश ग्रामर कितनी स्ट्रांग हुई, कितनी वीक हुई, ये आपको जरूर पता चल जाएगा। एंड ईवीएस की वीडियोज में मैं लेकर आती रहूंगी, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, उसके लिए थोड़ा सा कंटेंट पे मेहनत करनी पड़ती है, वो जब होती है, टाइम होता है तभी होती है, तो वो तब आएगी। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान आईक्यू।